नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अभिषेक। सबसे पहले अपनी तरफ से मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इस नववर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोगुनी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और जिस तरह अभी जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं ढेर सारी अपनी कविताएं आप तक पहुंचा सकूं और आप उसका आनंद ले सकें दोस्तों। जैसे आपने बाकी की मेरी कविताओं को अपना प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी मेरे द्वारा रची कविताओं को अपना प्यार आप देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और प्यारी सी कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। दोस्तों, आज हम आम तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े, युवक सभी के मन में कभी ना कभी ये बातें आती रहती हैं कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। अधिकतर वृद्धावस्था में पहुँचे लोगों के मन में ये बात घूमती रहती है, या उन्हें एक ये पीड़ा सताती है जो है उनका अकेलापन। उनके पास बैठने के लिए किसी के पास ना तो समय है। और दोस्तों, आज का जो ये बिजी लाइफ हो गया है, इतनी व्यस्तता भरी जीवन हो गया है कि उसमें एक दूसरे के पास किसी से बोलने चालने का, समय व्यतीत करने का, दुख दर्द समझने का कोई समय नहीं रह गया है। सभी अपने काम में दौड़ में ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं कामयाबी के पीछे, कि ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं बच्चों में, बूढ़ों में डिप्रेशन का नाम लेते जा रही हैं। सब अपने अकेलेपन से परेशान हैं। तो इन्हीं बातों को एकाग्र करते हुए मैंने अपनी ये कविता लिखने का प्रयास किया है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। तो दोस्तों, कविता की पहली पंक्तियों को आप तक भेज रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी आपको। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे बात करने को। दोस्तों, मेरा मन, कवि का मन, हर एक बुजुर्ग का मन, एक बच्चे का मन, नौयुवक का मन, उससे क्या सवाल करता है, उन्हीं बातों को पंक्तियों में रखने का प्रयास मैंने किया है, गौर कीजिएगा। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे बातें करने को, सब रहते हैं खुद में ही मस्त। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे बातें करने को, सब रहते हैं खुद में ही मस्त। तुमको भला कौन पूछता है, मन कहता है, तुमको भला कौन पूछता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे बातें करने को, सब रहते हैं खुद में ही मस्त। तुमको भला कौन पूछता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे दो मीठे बोल बोलने को। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे दो मीठे बोल बोलने को, छुपाते हैं सभी हरेक राज तुझसे। छुपाते हैं सभी हरेक राज तुझसे, न समझते थे पहले ही, न समझते थे पहले ही, अब भी भला कौन समझता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। दोस्तों, आमतौर पर देखने को मिल जाता है कि यदि आप किसी के प्रति ज़्यादा अपनी जिज्ञासा रखते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो आपसे सारी बातों को छुपाने का प्रयास करता है, आपसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता है। कभी वो दिखाता है कि उसके पास समय नहीं है, कभी दिखाता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसके मन में ठेस, उसके मन में दर्द होने के बावजूद भी वो आपसे कभी कुछ नहीं कहता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की अगली पंक्तियाँ है, उस पर गौर करिएगा। है फुर्सत किसके पास तुम्हारे पास आने को। है फुर्सत किसके पास तुम्हारे पास आने को, खुद ही रोते हो, खुद ही चुप हो जाते हो। है फुर्सत किसके पास तुम्हारे पास आने को, खुद ही रोते हो, खुद
खुद ही चुप हो जाते हो, फिर भी सबको कितना हंसाते हो, फिर भी सबको कितना हंसाते हो, मगर तुम्हारे गुस्से के अलावा, मगर तुम्हारे गुस्से के अलावा किसी और को क्या दिखता है, किसी और को क्या दिखता है। मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमको समझने को। दोस्तों, आज का ये जो दौर है उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसमें लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि आपसे बातें करने का, आपको समझने का, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी, दोस्तों के बीच में भी, बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में भी इतना समय नहीं रह गया है कि वे कुछ समय अपना देकर और आपकी बातों को समझें, आपकी बातों को समझें, आपको समझें। इतनी व्यस्तता भरा जीवन हो गया है। तो उन्हीं पे इन पंक्तियों को आप तक भेजता हूँ, आशा है प्रदान करेंगे। है फुर्सत नहीं किसी को तुमको समझने को, तुम अच्छे हो यह सब कोई कहता है। कोई आपसे तो ये नहीं कहता है सामने से कि आप बुरे हो, सब के सब कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो इन्हीं बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। है फुर्सत नहीं किसी को तुमको समझने को, तुम अच्छे हो यह सब कोई कहता है, लेकिन फिर भी साथ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी साथ कोई नहीं रहता, हर मोड़ पर मेरे अलावा तुम्हारे साथ कौन रहता है, हर मोड़ पर मेरे अलावा तुम्हारे साथ कौन रहता है। मेरा मन मुझसे यह सवाल कहता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। है फुर्सत नहीं किसी के पास तुमसे बातें करने को, सब रहते हैं खुद में ही मस्त, तुमको भला कौन पूछता है, मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कविता जिसका शीर्षक था मेरा मन मुझसे यह सवाल करता है। यदि आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स भी भेजिए, ताकि उससे मैं अपनी कविताओं में और भी सुधार कर सकूं। धन्यवाद।